चंद्रपुर से बीजेपी के विधायक युद्धवीर सिंह ने फेसबुक पोस्ट पर नेता प्रतिपक्ष टीएस सिंहदेव की तारीफ की है, और ये तारीफ ऐसी वैसी तारीफ नहीं बल्कि तंज भरी तारीफ है। अपने फेसबुक पोस्ट पर युद्धवीर सिंह ने टीएस सिंहदेव के लिए सम्मान में लिखा है कि कोई भी रिश्ता न होने पर भी जो रिश्ता निभाता है वो रिश्ता एक दिन दिल की गहराइयों को छू जाता है। इस शायरी के नीचे उन्होंने अपने फेसबुक पोस्ट पर टीएस सिंहदेव की फोटो लगाते हुए लिखा है कि सच्चा आदमी गलत दल, और ब्रैकेट में लिखा है कांग्रेस। तो भाजपा विधायक युद्धवीर सिंह जुदेव ने यह पोस्ट किया है। कांग्रेस के प्रवक्ता आरपी सिंह इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं। सिंह साहब, आप तक तो ये जानकारी पहुंच गई होगी, ये पोस्ट भी आपने देखा होगा, क्या आपकी प्रतिक्रिया, ये तंज भरी तारीफ के क्या मायने निकाले जाएं? सबसे पहले तो उन्होंने हमारी तारीफ की, हमारे नेताओं की तारीफ की, इसलिए उनको धन्यवाद देता हूँ। साथ ही साथ इस बात को कहीं ना कहीं उन्होंने स्वीकार भी किया है कि भारतीय जनता पार्टी में अच्छे नेता नहीं है। तो जिस दल में अच्छे नेता नहीं है वहां जुदेव जी को भी रहने की आवश्यकता नहीं है। हम तो उनसे आग्रह करेंगे कि वो हमारे दल में आए और अच्छे लोगों के साथ रहे। लेकिन ये गलत दल भी तो लिखा है, उसके ब्रैकेट में कांग्रेस लिख दिया है। सच्चा आदमी गलत दल, कांग्रेस के लिए कहा है ये उनकी गलत फहमी है। जब हमारे साथ आएंगे, हमारे साथ काम करेंगे, तो उन्हें इस बात का एहसास हो जाएगा कि उनकी सोच गलत थी। क्या ये उनके लिखने के ये मायने निकाले जाएं कि गलत दल बताकर वो सिंहदेव साहब को, बाबा को अपने पाले में खींचने की कोशिश है ये? नहीं, सिंहदेव साहब अच्छे व्यक्ति है, इस बात को पूरा प्रदेश पूरा देश जानता है, जितने पत्रकार हैं वो भी जानते हैं, आप भी जानते हैं। तो जो बात सच है उन्होंने लिखी है, इसलिए मैं उनको धन्यवाद देता हूँ। लेकिन हमारी पार्टी में सिंहदेव साहब जैसे और भी जो नेता हैं सभी अच्छे लोग हैं। जुदेव जी बेहतर होगा कि भ्रष्ट जनता पार्टी को छोड़े, एक ऐसी पार्टी जिसका मुख्यमंत्री स्वीकार करता है कि हमारा दल कमीशन खोर है, वहां उनकी आवश्यकता नहीं है, उन्हें कांग्रेस माना चाहिए। तो सिंह साहब, क्या माना जाए कि चुनाव आने वाले हैं इसलिए आप भी ऑफर कर रहे हैं जुदेव साहब को, और वो तो शायद अपने पोस्ट के माध्यम से, क्योंकि तारीफ तो होती रहती है बाबा की, लेकिन इस तरीके से चुनावी साल में इस तरीके से लिखना, और खास तौर पर आखिरी लाइन सच्चा आदमी गलत दल, ये लिखना उनकी तरफ से भी कहीं ना कहीं ऑफर है? नहीं नहीं, देखिए क्या है, जुदेव जी की जो लेगेसी है, उनके परिवार की जो भावना का महानता है, उससे हमारे प्रदेश का बच्चा बच्चा परिचित है। उस परिवार से जुदेव जी आते हैं, हम उनका बड़ा सम्मान करते हैं, उनके पिता का भी बहुत सम्मान करते थे। वो हमारे दल में आए और जो भ्रष्ट लोग हैं उनसे अपना पीछा छुड़वाएं। चलिए, शुक्रिया आपका प्रतिक्रिया देने के लिए। तो ऑफर कर दिया है आरपी सिंह साहब ने कि भ्रष्ट लोगों से पीछा छुड़वा लीजिए, और भ्रष्ट जनता पार्टी तक कह दिया है, बीजेपी को लेकर उन्होंने तंज कसा है। युद्धवीर सिंह जुदेव जो हैं चंद्रपुर से बीजेपी के ही विधायक हैं, नेता प्रतिपक्ष टी एस सिंहदेव की उन्होंने फेसबुक पर तारीफ लिखी है और पोस्ट किया है। पोस्ट में नेता प्रतिपक्ष टी एस सिंहदेव की फोटो लगाई है, लिखा है कि सच्चा आदमी गलत दल, तंज पार्टी को लेकर ही है। युद्धवीर सिंह जुदेव चंद्रपुर से बीजेपी के विधायक हैं। तो नेता प्रतिपक्ष की तारीफ भी की है, एक शेर भी लिखा है और सम्मान में कसीदे गढ़े हैं, और नीचे लिख दिया है कि सच्चा आदमी और गलत दल। अब ऐसे में राजनीति तेज निश्चित रूप से होनी है, हालांकि टी एस सिंहदेव पहले ये भी कह चुके हैं। संजय श्रीवास्तव बीजेपी के प्रवक्ता इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। संजय श्रीवास्तव जी, स्वागत है आपका। ये पोस्ट युद्धवीर सिंह जुदेव साहब का फेसबुक पर बड़ा इसको लेकर चर्चा हो रही है, इसके मायने क्या निकाले जाएं आपके अनुसार? माफ कीजिएगा संजय जी, आपकी आवाज हमें ठीक से नहीं मिल पा रही है। हम आपसे ये कह रहा हूँ जी, उनकी पोस्ट क्या है, उनकी पोस्ट क्या है जरा बताएंगे मुझे, क्या पोस्ट किया? उन्होंने लिखा है कोई भी रिश्ता न होने पर भी जो रिश्ता निभाता है, इस तरीके से उन्होंने पूरी शायरी लिखी है, और साथ में उन्होंने टी एस सिंहदेव की तारीफ कुल मिलाकर इसके जरिए की है, लेकिन उन्होंने आखिर में लिखा है सच्चा आदमी गलत दल, और ब्रैकेट में लिखा है कांग्रेस। सच्चा आदमी और गलत,
देखिए सामान्य तौर पर हम राजनीति के क्षेत्र में काम करते हैं इसलिए बातें इस तरह की निकलती हैं, लेकिन एक सामान्य चर्चाओं में या कोई व्यक्तिगत ऐसा नहीं है कि कोई एक पार्टी या दूसरे पार्टी का कोई व्यक्ति वो अच्छा ना हो खराब हो ऐसा नहीं है। इसमें यदि कोई विशेषता है तो मुझे लगता है क्योंकि तारीफ करने में कहीं कोई बुराई नहीं है, तारीफ करने में कोई बुराई नहीं है, बहुत अच्छी बात है, सभी आप एक दूसरे की तारीफ करते हैं मिलजुल कर रहते हैं, लेकिन ये समझाइए कि अगर फेसबुक पर तारीफ की जा रही है तो दल को क्यों देखा जा रहा है? तारीफ तो ऐसे भी की जा सकती है, ये दल को लेकर खींच, ये गलत दल, ये पूरी बात ही उल्टी हो जाती है, तंज वाली बात हो जाती है, तंज की तारीफ है ये। देखिए मुझे ऐसा लगता है इसका जवाब तो टीएस शैलेश जी बेहतर बता सकते हैं, लेकिन होता है कभी ऐसा महसूस होता है, और आपने देखा है कि कई बार ये भी चीजें होती है कि कोई व्यक्ति जब उसको लगता है कि वो उस पार्टी के अंदर में यदि वो सही जगह नहीं है तो कई बार पार्टी बदलकर भी वो दूसरे दलों में आते हैं। मैं ये नहीं कहती सिंहदेव जी कर रहे हैं, इसलिए मुझे लगता है कि उनकी एक व्यक्तिगत राय है, व्यक्तिगत सोच है, तो पार्टी वाला विषय नहीं है। उनका ये कहना हो सकता है कि टीएस सिंहदेव जैसे लोग यदि राजनीति के क्षेत्र में अच्छा काम कर रहे हैं तो वो बीजेपी बुलावा तो नहीं दे रही ना। नहीं नहीं ऐसा नहीं, मैंने इसीलिए कहा कि पहला इनका ये व्यक्तिगत उनका पोस्ट है, वो ये कोई पार्टी का पोस्ट नहीं है, उनकी अपनी निजी राय है वो। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया प्रतिक्रिया देने के लिए, धन्यवाद। चलिए आगे बढ़ते हैं। चुनावी साल में बस्तर के युवा मतदाताओं पर फोकस करते हुए भारतीय जनता युवा मोर्चा की दो दिवसीय कार्य समिति की आज से बैठक होने जा रही है। बैठक में पहले दिन भाजपा प्रदेश अध्यक्ष धरमलाल कौशिक, मंत्री केदार कश्यप, वन मंत्री महेश गागड़ा शामिल होंगे। भारतीय जनता युवा मोर्चा को कार्यकर्ताओं को चुनावी टिप्स देंगे और बस्तर के ज्यादा से ज्यादा युवाओं को पार्टी से जोड़ने का मंत्र भी देंगे। बैठक के अंतिम दिन मुख्यमंत्री रमन सिंह होंगे और कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। विनोद कुशवाहा हमारे संवाददाता हमारे साथ है, जगदलपुर से लाइव बने हुए हैं, उनके पास चलते हैं। विनोद, क्या ये बैठक शुरू हो चुकी है और क्या कार्यकर्ताओं को जो मंत्र दिया जाना है क्या वो शुरू हो चुका है? कई सारे मंत्री शामिल होने वाले हैं, केदार कश्यप, महेश गागड़ा इसमें शामिल होंगे। पहले दिन भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष धरमलाल कौशिक भी आएंगे। केदार कश्यप, महेश गागड़ा जो हैं वो युवा नेता माने जाते हैं, बस्तर से ही आते हैं, तो ऐसे में वो पहले कार्यकर्ताओं को एकजुट होने के साथ ही मंत्र देंगे कि कैसे बस्तर के, क्योंकि बस्तर ऐसा क्षेत्र है जहाँ से छत्तीसगढ़ का जीत का मंत्र है एक प्रकार से, और वहां से अगर बस्तर पर जिसने अधिकार कर लिया, बस्तर को जिसने जीत लिया, तो सरकार उसी की मानी जाती है। विनोद हमारे साथ, हमारे संवाददाता लाइव जुड़ चुके हैं, उनके पास चलते हैं। विनोद, दो दिवसीय कार्य समिति की यह बैठक है, क्या शुरू हो चुकी है? क्योंकि इससे पहले मौसम बाधा बना था और बारिश की वजह से काफी देर हो चुकी थी, और कौन कौन पहुंच चुका है? बिल्कुल पुनीत, अभी जो है बैठक शुरू हो चुकी है, और अगर बैठक की बात करें तो शुभारंभ जो सत्र है बैठक का, उसमें प्रदेश अध्यक्ष भाजपा के धरमलाल कौशिक, उसके अलावा जो राष्ट्रीय महामंत्री है अभिजात मिश्रा जो कि उत्तर प्रदेश से पहुंचे हुए हैं, और इसके अलावा भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं विजय शर्मा, इसके अलावा महेश गागड़ा हैं वन मंत्री जो हैं, और केदार कश्यप हैं, ऐसे तमाम जो दिग्गज हैं जो आज पहले सत्र में पहुंचे हुए हैं, और बैठक शुरू हो चुकी है वंदे मातरम के साथ में ही, और अब कुछ देर के बाद जो है जो तमाम आला नेता यहां पर पहुंचे हैं, प्रकोष्ठ के राम प्रकाश सिंह पहुंचे जो कि मोर्चा के प्रभारी भी हैं, वो तमाम नेता अपने अनुभवों को गिनाएंगे। और इसके अलावा ये शुक्रिया बहुत बहुत विनोद आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो कल मुख्यमंत्री युवा कार्यकर्ताओं को मंत्र देने वाले हैं, और आज बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष धरमलाल कौशिक, मंत्री केदार कश्यप और वन मंत्री महेश गागड़ा इसमें शामिल होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली खबर का रुख करते हैं। छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने इस बार चुनाव के लिए स्लोगन जारी कर दिया है। आज प्रदेश प्रभारी पीएल पुनिया भी शाम को रायपुर आने वाले हैं, यहाँ आते ही वो पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से बैठक लेंगे। इससे जाहिर हो रहा है कि पार्टी अब सीधे तौर पर चुनावी तैयारियों में जुट गई है।